अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। फूडी सेडी में आज एक नई रेसिपी चिकन ड्रमस्टिक्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, जूसी और नरम के ड्रमस्टिक्स जो है वो तैयार होती हैं। इससे पहले कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं ड्रमस्टिक्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ड्रमस्टिक्स बनाने के लिए हमें ड्रमस्टिक्स चाहिए। ये लेग पीस हैं, जो कि पांच ये लेग पीस हैं। सबसे पहले हम इसकी शेप जो है वो तैयार करेंगे। छुरी से इसका जो गोश्त है वो सारा नीचे की तरफ इस तरह से उतारना है कि हड्डी से अलग नहीं होना चाहिए। इसमें एक तरफ कट लगा देंगे ताकि गोश्त नीचे की तरफ आ जाए। इस तरह से इसका ये लेग पीस की शेप बना लेंगे कि सारा गोश्त जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। बाकी सारे भी इसी तरह से तैयार कर लें। ड्रमस्टिक के अंदर एक टीस्पून नमक और दो टेबलस्पून इसके अंदर सिरका डाल के देंगे। इसमें मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि ये ड्रमस्टिक इसके अंदर डिप हो गई है। सिरके और नमक के पानी में इसको डिप करके दो घंटे के लिए अब मैं रख दूंगी। ड्रमस्टिक को सिरके और नमक के पानी में मैरिनेट किए हुए एक घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाला जो है वो डालते हैं। मसालों में हमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको बहुत फाइन चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें दो से तीन हरी मिर्चें हैं जिनको बारीक जो है वो बारीक काट लिया है। इसके अलावा मसालों में हमें एक टीस्पून नमक चाहिए, एक टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए और एक टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है। अंडे हमें इसमें एक से एक भी अभी मैं इसमें डालती हूँ। इसमें एक अंडा डालते हैं या दो, जितनी ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। इसके अलावा इसमें मैदा चाहिए 5 टेबलस्पून और 3 टीस्पून जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर चाहिए। 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही इसमें सिरका, 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। एक बाउल में हम ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स इकट्ठे कर लेंगे। तैयार क्यों हुआ ये सारा बैटर इस ड्रमस्टिक्स के अंदर डाल देंगे। पानी मैंने सारा फेंक दिया जो सिरके और नमक का पानी था। इस सारे मसाले को ड्रमस्टिक के अंदर अच्छी तरह से ऐसे भर देंगे।
अगर इसके अंदर मैदा कम लेके तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसके अंदर इसको हम मैरिनेट करके कम से कम 1-2 घंटे के लिए रखेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। ड्रमस्टिक्स को मैरिनेट हुए कम से कम 2-3 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका एक एक पीस उठाएंगे और इसके बैटर के अंदर जहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है इस गर्म ऑयल के अंदर ये ड्रमस्टिक फ्राई कर लेंगे। ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है और ये ड्रमस्टिक इसमें डालते जाएंगे। ड्रमस्टिक के साइज जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर में आ जाए। ड्रमस्टिक को बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो गई है। अभी इनको मैं बाहर निकालती हूँ। ड्रमस्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही टेंडर बहुत जूसी ये ड्रमस्टिक्स तैयार होंगे जिन्हें आप केचप के साथ या किसी भी चिली गार्लिक सॉस और रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।